केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए की लगातार तीसरी बार सरकार बन चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रालयों का बंटवारा भी कर दिया है, लेकिन इस बीच महाराष्ट्र में एनडीए के सहयोगी घटक दल शिवसेना एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजीत पवार खेमे में एक ऐसी हलचल महसूस हो रही है जो न सिर्फ एनडीए के लिए संकट के संकेत हैं, बल्कि महाराष्ट्र की सरकार के लिए भी अच्छे संकेत नहीं माने जा सकते। खबरें नाराजगी की आ रही हैं। माना जा रहा है कि दोनों ही दल मोदी कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से खफा हैं, और इसकी पुष्टि करते हैं वो बयान जो खुलकर दिए जा रहे हैं, जिसमें बीजेपी पर एनडीए के दूसरे घटक दलों के प्रति पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया जा रहा है। सबसे ज्यादा नाराजगी हालांकि एनसीपी अजीत पवार गुट में देखने को मिल रही है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के सीएम एकनाथ शिंदे गुट के शिवसेना ने भी अपने तेवर खुलकर दिखाने शुरू कर दिए हैं। खास तौर पर शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट से जीते नव निर्वाचित सांसदों के तेवर अब तीखे होते जा रहे हैं, जिसमें कई वजहें भी गिनाई जा रही हैं। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट की नाराजगी की पहली वजह है 15 में से 7 सीटों पर जीत के बावजूद मंत्रिमंडल में अनदेखी। दूसरी वजह है कैबिनेट पद मिलने की उम्मीद धाराशाही होना, और इसमें भी ऊपर सबसे ज्यादा आहत करने वाली कुछ चीजें जो गिनाई गई वो बताती हैं कि महाराष्ट्र में एनडीए पर संकट के बादल मंडराने लगे। देखिए, एनडीए की पुराने सहयोगी शिवसेना है, कई सालों से केंद्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय संगठन को शिवसेना पार्टी साथ देते आई। कल के शपथ विधि ग्रहण में शिवसेना पक्ष को ओम का ये मिला, एमओएस मिला है, लेकिन मुझे लगता था कि कैबिनेट मंत्री मिलना चाहिए। कई सारी ऐसी छोटी पार्टी है, जैसे कि माझी जी की, कुमार स्वामी जी की, उनके पार्टी के कुमार स्वामी जी के दो एमपी है, माझी जी का एक एमपी है और पासवान जी का 5 एमपी है। तो हमें लगता था कि हमें कैबिनेट मंत्री एक दिया है, वो कैबिनेट मंत्री मिलने की अपेक्षा थी हमारी। नाराजी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब पूरी बात माननीय शिंदे साहब और बीजेपी के वरिष्ठ नेता बैठ के बात किए। मैं कई सालों से संसद रह चुका हूँ, मुझे व्यक्तिगत रूप से लगा था कि कैबिनेट मंत्री पार्टी को मिलना चाहिए, मैंने मेरी बात रखी है उसमें पार्टी का कुछ। दरअसल शिवसेना शिंदे गुट ने पद की मांग और प्रश्न इसलिए किया है क्योंकि बीजेपी के साथ आकर शिंदे गुट मूल शिवसेना से अलग हुआ है, इसलिए एक साथी के तौर पर मंत्रिमंडल के बंटवारे को अन्याय के रूप में देख रहा है। खास तौर पर महाराष्ट्र में प्रदर्शन को आधार बनाया जा रहा है। मसलन महाराष्ट्र में बीजेपी ने 28 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था, लेकिन 9 सीटों पर ही जीत हासिल की, जबकि शिवसेना शिंदे गुट ने 15 सीटों पर चुनाव लड़कर 7 सीटों पर विजय हासिल की। इस लिहाज से दूसरे घटक दलों की ही तरह शिवसेना शिंदे गुट कैबिनेट मंत्री पद की उम्मीद लगाए बैठा था, क्योंकि शिंदे गुट का जीत का अनुपात बीजेपी से ज्यादा था, इसलिए मांग एक कैबिनेट और एक राज्य मंत्री पद की हुई, लेकिन उन्हें सिर्फ राज्य मंत्री पद मिला, इसलिए शिंदे गुट नाराज है, जिसका असर भविष्य में सरकार पर भी पड़ सकता है। यानी एनडीए में शिवसेना शिंदे गुट हालात बदलने की तरफ बढ़ रहा है, और इससे उद्धव गुट बीजेपी के खिलाफ बन रहे माहौल की तरह भुनाने की कोशिश कर रहा है। अभी तो ये शुरुआत हुई है, भारतीय जनता पार्टी से उनके कोई भी सहयोगी खुश थोड़ी हैं। अभी तो नीतीश बाबू नाराज होंगे, चंद्र बाबू नाराज होंगे, अब सुन रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जी की कथित शिवसेना के जो सांसद हैं मावड़ से, श्रीरंग बारने, वो भी नाराज चल रहे हैं। वो बयानबाजी कर रहे हैं कि केंद्र में हमें एक ही मंत्री पद मिला है, वो भी राज्य मंत्री। हमसे छोटी पार्टी है रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान की, जिनके पास केवल 5 सांसद हैं, उनको कैबिनेट मिला है। एचडी कुमार स्वामी को भी कैबिनेट मिला है। तो अभी तो शुरुआत है इनके आपस में एक दूसरे के मतभेद होने की। ये तो रही शिवसेना शिंदे गुट से नाराजगी और शिवसेना उद्धव गुट के लिए अवसर की बात, लेकिन दूसरी तरफ शरद पवार से नाता तोड़कर एनडीए में शामिल हुए उनके भतीजे अजीत पवार की पार्टी की नाराजगी भी सामने आ गई है। दावा है कि शुरुआती दौर में एनसीपी अजीत गुट को मंत्रिमंडल में राज्य मंत्री का पद ऑफर किया गया था, लेकिन कैबिनेट मंत्री पद न मिलने के कारण इस पद को भी ठुकरा दिया गया, जिसके बाद अजीत गुट में एक बदलाव ये हुआ कि शरद पवार की तारीफ फिर से होने लगी।
और यहां भी एनडीए से नाराजगी है। इसलिए उम्मीद थी कि प्रफुल्ल पटेल के अनुभव को ध्यान में रखते हुए एनसीपी अजीत गुट को एक कैबिनेट मंत्री पद दिया जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसलिए कांग्रेस अब एनसीपी अजीत गुट को गलत राह पर जाने का एहसास करवा रही है। हालांकि इसे पॉलिटिकल सम्मान का प्रेशर भी माना जा सकता है, जिसमें शिंदे गुट को उद्धव गुट घेर रहा है, तो वहीं अजीत पवार गुट को एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस घेर रही है। लेकिन स्थिति अगर महाराष्ट्र में एनडीए को लेकर बिगड़ रही है, तो इसका सीधा मतलब है कि महाराष्ट्र सरकार पर असर पड़ना तय है। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देश दुनिया और यूपी उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ स्टेट।